और ये डिग्री है जो प्रोफेसर बने हैं रिटायर होने के बाद, ये रिटायर हो रहे हैं द्वारिका कॉलेज से, लेकिन बाबा की सेवा के लिए पीएचडी कराने के लिए भाई को फिर से स्वागत मना ज्वाइन किए हैं। अभी भी कहते अभी कभी कहीं नहीं ज्वाइन था, बाबा के घर से ही ज्वाइन हुआ, अभी अभी इसी साल से एंट्री किया है और पीएचडी कराने के लिए गाइड बन गए हैं। धनराज भाई को आते ही ताली बजाइए। ओम शांति। अभी भाई से निवेदन करेंगे कि आज का प्रोग्राम को विधिवत उद्घाटन करेंगे। तो और ये डिग्री है जो प्रोफेसर बने हैं रिटायर होने के बाद, ये रिटायर हो रहे हैं द्वारिका कॉलेज से, लेकिन बाबा की सेवा के लिए पीएचडी कराने के लिए भाई को फिर से स्वागत मना ज्वाइन किए हैं। अभी भी कहते अभी कभी कहीं नहीं ज्वाइन था, बाबा के घर से ही ज्वाइन हुआ, अभी अभी इसी साल से एंट्री किया है और पीएचडी कराने के लिए गाइड बन गए हैं। धनराज भाई को आते ही ताली बजाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा लाइव न्यूज़। यूथ एजेंडा लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ताजनूर परवीन। देखते रहिए यूथ एजेंडा से। धनराज कुमार की रिपोर्ट। मणिपुर अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में बिहार एवं झारखंड से चयनित हुए प्रोफेसर स अनुसंधान पर्यवेक्षक का अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक विशाल भंडारे के साथ सपरिवार सदा खुशहाल जीवन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नर्मदा अपार्टमेंट एग्जीबिशन रोड स्थित शाखा में बड़े दिन के शुभ अवसर पर सपरिवार का सदा खुशहाल स्वस्थ एवं सफल जीवन की कामना करने हेतु रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर अभिलाष नायक, क्षेत्रीय निदेशक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय पटना के विशेष अतिथि डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन के साथ साथ सम्मानित होने वाले डॉक्टर मोहन भाई एवं डॉक्टर धनराज कुमार सह के साथ ही सेमी क्लासिकल एवं फोल्क म्यूजिक सिंगर बिहार के गेस्ट ऑफ ऑनर निर्जला कुमारी एवं रजिस्ट्रार बिहार नर्सिंग व रजिस्ट्रेशन काउंसिल सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे, जिसके उपस्थिति में क्रिसमस डे के तर्ज पर धनराज कुमार का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। अभी मैं निवेदन करता हूं और एक सीनियर प्रोफेसर है, अभी मैं निवेदन करता हूं तो ममता शर्मा जी जो हमारा सीनियर प्रोफेसर हैं वो लास्ट में ले रही हैं। अब
अभी जो भी नीचे बैठे हैं सभी ऊपर आ जाइए गुरु फोटो के लिए, एक साइड से इधर से भी आ जाइए। अभी हम निवेदन करते हैं आदरणीय भ्राता जय कुमार भाई जी, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम्स के हैं, आपसे निवेदन है कि आप वोट ऑफ थैंक्स हम सबके बीच रखेंगे। आदरणीय भ्राता जय कुमार भाई, ओम शांति। आज मणिपुर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और जॉइंट प्रोग्राम ऑफ ब्रह्म कुमारीज प्रोफेसर सेरेमनी की एक प्रोग्राम पर हमारा मंच पर श्रृंगार करके ये प्रोग्राम का शोभा बढ़ाया है, तो आदरणीय राजी ओहनी बी के सुदेश दीदी को तय दिल से मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ। और हमारा आदरणीय भ्राता राजयोगी डॉक्टर मृत्युंजन भाई को भी मैं तय दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आदरणीय भ्राता डॉक्टर आर के सिंह जी, उनको भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और हमारा आदरणीय डॉक्टर राजयोगी बी के मृत्युंजन भाई को भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और हमारा आदरणीय बी के करुणा जी को भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और आदरणीय भ्राता डॉक्टर हरी कुमार जी को भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और डॉक्टर राजेश भाई को भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और हमारा प्रोग्राम को श्रृंगार करने के लिए मंच पर आकर के ये प्रोग्राम को शोभा बढ़ाया हमारा आदरणीय सुमन बिंदी बेन जी को भी मैं शुक्रिया करता हूँ। डॉक्टर अबलेश नाइक को भी मैं शुक्रिया करता हूँ। डॉक्टर बी के पांडिमणि भाई को भी मैं शुक्रिया करता हूँ। डॉक्टर बी के आर पी गुप्ता जी को भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और हमारा प्रोग्राम को जो कोऑर्डिनेट किया है हमारा लीना बहन को भी मैं शुक्रिया करता हूँ। हम अभी जय कुमार भाई को भी शुक्रिया करते हैं, सबको शुक्रिया दिया, कितना सुंदर लग रहा है। मैं इसलिए बाहर आके देख रहा हूँ, जो तारे की सितारे उतर गए हैं नीचे, बहुत बहुत धन्यवाद।